दोस्तों आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं हजरत वर्री बाबा की दरगाह शरीफ। दोस्तों ये दरगाह शरीफ एक ऐसी दरगाह शरीफ है जो बहुत कम लोग जानते हैं और यहाँ की करामत बहुत बड़ी है। दोस्तों आज तक इस दरगाह शरीफ को कोई नहीं जानता। तो दोस्तों आज हम जाएंगे हजरत वर्री बाबा की दरगाह शरीफ और अंदर जा करके आपको लाइव ज़ियारत कराएंगे और दरगाह शरीफ के आसपास का भी नज़ारा दिखाएंगे। तो दोस्तों बस आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को काट काट के बिल्कुल भी मत देखना। दोस्तों आप यहाँ पर नहीं आ सकते हो लेकिन मैं आपको वीडियो के जरिए यहाँ पर ज़ियारत करा रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो अभी आपको कैसे आ सकते हो वो भी मैं आपको इस वीडियो में लाइव बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ का मौसम काफ़ी सुहाना मौसम है। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी तेज़ यहाँ पे बारिश हुई थी तो हर जगह अभी आपको पानी नज़र आएगा और आप बादल वगैरह देख सकते हो। मौसम कितना खूबसूरत, काफ़ी बढ़िया यहाँ का मंजर है। और सामने देखिए हजरत वर्री बाबा की दरगाह से काफ़ी बढ़िया यहाँ का नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। आप यहां से देखिए पूरा। दोस्तों आप यहां पर कैसे आ सकते हो पहले वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के बुलढाणा ज़िले में। बुलढाणा ज़िले में आने के बाद में आपको सैलानी गांव आना है। मतलब अगर आप कहीं से भी हो दोस्तों, अगर आप ट्रेन के जरिए आना चाहते हो तो आपको ट्रेन से मलकापुर उतरना है और मलकापुर उतरने के बाद में आपको यहाँ के बारे में बस पकड़ लेनी है जो कि सैलानी गाँव के नाम से आती है। तो आप सैलानी गांव में आओगे तो आपको सबसे पहले वर्री बाबा की दरगाह शरीफ की ज़ियारत होगी, फिर आपको सैलानी बाबा की दरगाह शरीफ की ज़ियारत होगी। तो आप यहां पर नज़ारा देखिए किस प्रकार से ये पूरा सीन है अभी काफ़ी बढ़िया। पीछे की साइड में काफ़ी बड़े बड़े यहां पर पहाड़ भी मौजूद है, काफ़ी हरियाली है। और अभी हम अंदर जाएंगे आपको ज़ियारत कराएंगे। यहाँ से दोस्तों जितनी बसें यहाँ से आती है, जो भी मलकापुर से जितनी बसें टेम्पू जो भी हैं यहाँ से आता है। तो चलिए दोस्तों अब हम अंदर जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे मन्नत के ताले भी बांधे जाते हैं। अगर हम कोई भी अगर अपनी मन्नत मांगते वो मन्नत मांगते हुए यहाँ पे कोई ताला बांध देते हैं, ताले को मतलब लॉक कर देते तो आपकी मन्नत यहाँ पूरी होती है, ऐसे लोगों का कहना है। लेकिन दोस्तों अभी आप देख सकते हो ये वर्री बाबा की दरगाह शरीफ पे ऊपर नाम भी लिखा हुआ है। तो ये पूरा नज़ारा और यहाँ पर जो मेन गेट है इसके ऊपर 786 लिखा हुआ है। और यहाँ देखिए दोस्तों एक जाली है और जाली के ऊपर कई सारे यहाँ पे मन्नत के ताले और मन्नत के धागे यहाँ पे बंधे हुए हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे धागे और ताले। अभी आपको और भी सीन दिखाएंगे, ये पूरा नज़ारा आपको दिखा देते हैं। अभी आपको मजार शरीफ की भी ज़ियारत कराएंगे। ये पूरा नज़ारा देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ पेटी वगैरह लगा रखी है। और यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरा मतलब जितने भी यहाँ पर गेट और जाली है हर जगह आपको मन्नत के ताले और मन्नत के धागे यहाँ पर लगे हुए नज़र आएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों कितने सारे यहाँ पे ताले लगे हुए हैं, एक के बाद एक ताले यहाँ पे लगा रखे हैं। मतलब इन तालों के रूप में कोई ना कोई किसी ना किसी की कोई मन्नत है जो पूरी होने के लिए यहाँ पे ताले के रूप में यहाँ पे लॉक कर रखी है। और कई लोग यहाँ पे अपनी मतलब जो भी मन्नत है उसको मांग करके यहाँ पर धागे बांधते हैं। ये यहाँ पर पूरा नज़ारा देखिए किस प्रकार से ये पूरा सीन है आपको दिखा देते हैं। चलिए दोस्तों अब आपको ज़ियारत कराते हैं। दोस्तों अभी दरगाह शरीफ का जो मेन गेट है यहाँ पर बंद हुआ हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको बाहर से ही अंदर की ज़ियारत कराएंगे क्योंकि अगर यहाँ के जो खादिम साहब होते तो हमें और भी अच्छे यहाँ के बारे में जानकारी मिल जाती, लेकिन यहाँ के खादिम अभी मौजूद नहीं है। यहाँ देखिए दोस्तों नींबू वगैरह। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है हजरत सैलानी बाबा के दरगाह शरीफ में पूरे गाँव में जितनी भी दरगाह शरीफ है यहाँ पर रूहानी भूत प्रेतों का इलाज होता है। तो यहाँ पर शायद नींबू इसलिए कटे हुए यहाँ पर नज़र आएंगे क्योंकि कई लोग यहाँ पे उतारा भी करते हैं। तो आप यहाँ पे ज़ियारत करिए, पहले मजार शरीफ का आप दीदार करिए किस प्रकार से ये पूरा सीन है अभी, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो गेट है वो बंद है, यहाँ पे लॉक लगा रखा मतलब ताला लगा रखा है, इसलिए अभी हम अंदर नहीं जा सकते और ना ही अभी यहाँ पे कोई मौजूद है। अगर यहाँ के जो खादिम होते तो और भी अच्छी यहाँ के बारे में आपको जानकारी मिल सकती थी। मैं कोशिश करूँगा इसके बाद में अगला वीडियो लाने की कोशिश करूँगा जो यहाँ के खादिम साहब होंगे तो आपको और भी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हो तो Facebook पेज को फॉलो कर लेना।